धर्मरुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उनका सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फूलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला,
तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवित्यवता होनार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभो, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप्रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझोने से क्या सिद्धि मिलेगी।